फिलहाल अभी कुछ ही समय बचा हुआ हम लोगों को बिछड़ने में, और हम सब अलग अलग होने वाले हैं। आशीष भी अलग होगा, इधर अब्दाल है और इधर अब्दाल भी जा रहा है, तो अब्दाल भी जा रहा है, रशिया जा रहा है कजाकिस्तान जा रहा है तो हम रशिया जा रहे हैं और ये कजाकिस्तान जाएगा। और आशीष तुम कहाँ जाओ? और इधर जा रहे हैं उज्बेकिस्तान। सब सब जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। आसिफ कहाँ जा रहा है? आसिफ लखनऊ जाएगा आसिफ भाग रहा है, लखनऊ जाएगा। तो इधर से हम लोगों का एंट्री है, ये क्या है, फ्री भी है, तो यहाँ से अंदर की तरफ जाया जाएगा। और अभी तैयारी चल रही है, सब लोग खड़े हुए हैं। आसिफ सोच रहा है कि कहाँ से जाए। आसिफ देखिए सब तो यही कहेगा कि सब अभी हम लोग मिल रहे हैं, अब्दाल से मिल रहे हैं, अब्दाल जा रहा है, ये अलग जा रहा है, ये कजाकिस्तान जा रहा है, हम रशिया जा रहे हैं। तो सब देखिए एक दूसरे से गले मिल रहे, यही एयरपोर्ट पे होता है, चाहे वो कोई भी हो अब तो नहीं मिल। अभी फिलहाल हम लोग साथ में थोड़ा देर के लिए रहेंगे। चलिए चलिए अंदर की तरफ इसको पहले डाल देते हैं, फिलहाल फिर आपसे बात करेंगे कंटिन्यू। और ये सब सामान वगैरह यहाँ पर पूरा वेट हो चुका है, पूरा अंदर है जितना वेट होनी चाहिए। और ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जो कि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है दिल्ली का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी फिलहाल मॉर्निंग का समय हो रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर वेट वगैरह का काम चल रहा है, और इधर भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्राउड वगैरह कम है, वरना एयरपोर्ट पर बहुत सारा क्राउड होती है, ऐसे मत समझिए कि एयरपोर्ट पर भीड़ वगैरह नहीं होती, एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब्दाल अहमद जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, और मुझे नहीं जाना है, मैं ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहा था। तो फिलहाल अब्दाल अहमद को कजाकिस्तान जाना है, तो आप देख सकते हैं कि लाइन में लग रहा है ये, और दोनों ट्रॉली वो ले चुका है जैसे कि हम लोग साथ में लेकर रखे थे, और इसको ही पहुंचाने आए थे जो कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो यही जा रहा है जो कि पढ़ाई करता है कजाकिस्तान में, और MBBS का जो कि डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है, स्टडी वहीं करता है। और यहाँ सामने यहाँ से एंट्री होगी, और उसके बाद से यहाँ से इनकी फ़्लाइट है, लगभग 11:30 के करीब इनकी फ़्लाइट है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं अभी जो पहुँचा हूँ लगभग वही 9:30 का टाइम फ़िलहाल अभी हो रहा है। तो ये प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पर चेकिंग वगैरह का वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पर की जाती है, जो कि पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, जो कि जो ज़रूरत होती है वो चेक किया जाता है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन सी फ़्लाइट है, कब से कहाँ तक जाएगी, कितना टाइम बचा हुआ, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी उसको टाइम लग रहा है, जो कि आप आगे कुछ आदमी खड़े हैं, तो धीरे धीरे इसी तरीके से प्रोसेस जो कि होता है, और ये सब के लिए बराबर है। तो जैसे कि अभी उनका अब्दाल का प्रोसेस चल रहा है, ये पहुँच चुका है, उनका वेरिफिकेशन अभी देखिए सामने हो रहा है, और उसी क्षण में मतलब अंदर की तरफ अब्दाल अहमद चला जाएगा, और हम लोग बाहर की तरफ अभी खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि उनका जो वेरिफिकेशन होगा, जो गेट पर होता है चेक इन का, वो सही सलामत हो जाए और वो अंदर की तरफ चले जाए। क्योंकि मेन सबसे बड़ी बात यही होती है कि यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हो जाता है, तो उसके बाद से अंदर जाता है। देखिए आप हाय हाथ हिला रहा है अब्दाल अहमद, और अंदर की तरफ जा रहा, और चलिए फिलहाल वो तो अंदर जा चुका है अब्दाल अहमद। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि अगर एयरपोर्ट पर आते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सी फ़्लाइट कब आ रही है और कब जा रही है। यहाँ पर जैसे आप स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर, तो वो देखने को मिलता है। देखिए आसिफ गौर से देख रहा है कि कौन सी फ़्लाइट कहाँ से कब उड़ने के लिए तैयार है, यहाँ पर वो शो करता है डिस्प्ले पे। और ये जो चरखा आपको देखने को मिलेगा जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली पर, यहाँ पर बोर्डिंग पास भी आप ले सकते हैं, जो कि प्रिंट कर सकते हैं, बोर्डिंग पास जो आपका है वहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर मशीन से आप प्रिंट कर सकते हो। और कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है जो कि आपको दिल्ली का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं मुंबई का ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मैं बता भी चुका हूँ, और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दिल्ली के भी एयरपोर्ट बहुत ही फेमस है, और यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए बहुत ही लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, ज़्यादा आप लोग देखते होंगे। और यहाँ कुछ आपको सफाई कर्मी देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर रेगुलर जो कि साफ़ करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो गाड़ी वगैरह का जो वहाँ से आती है, और वहाँ से उतर कर आपको फिर इस साइड आना पड़ेगा, जो कि ऊपर से जो कि जो भी आपका कैब वगैरह से आते हैं या अपने पर्सनल गाड़ी से आते हैं, तो आपको यहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा, और यहाँ से फिर उतर कर आपको आगे की साइड जाना होगा।
तो ये भी काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिला। और ये जो कि आप नीचे से लिफ्ट से आना चाहते हैं तो उससे भी आकर, और ये एस्केलेटर है उससे आप ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जैसे आसिफ फिलहाल अभी नीचे की साइड जा रहा तो ये एस्केलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो, किसी भी थ्रू आप आ सकते हैं। और लिफ्ट की भी सुविधा रहती है, एस्केलेटर भी है। तो ये प्लेन वाला एस्केलेटर है, जैसे आप सामान वगैरह आप यहाँ पर रख कर आसानी के साथ नीचे की तरफ उतर भी सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर ज़्यादा होती नहीं है वगैरह से भी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्पेशल मेट्रो चलाई जाती है वो बहुत ही अच्छा सुविधा माना जाता है। और जो कि मैं नीचे का थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो ये आपको नीचे का देखने को मिल रहा होगा, जो कि नीचे गाड़ी वगैरह पार्क की जाती है। जैसे कि देख सकते हैं आपकी पार्किंग वगैरह में पूरी गाड़ी खड़ी है, तो ये नीचे का है। तो इसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ से फ्लाइट वगैरह जो कि उड़ती है और वहाँ आप जा सकते हैं। और नीचे जो कि बेसिकली पार्किंग वगैरह की जाती है, और यहाँ से जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से जो कि एग्ज़िट किया जाता है, जैसे आप बाहर से आते हैं फ्लाइट से तो यहाँ सामने देख सकते हैं वहाँ से एग्ज़िट हो रहा है। जैसे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं ये सामने जो कि मेरे उंगली के सामने यहाँ से एग्ज़िट हो रहा है। ऊपर से आप इंटर कर सकते हैं जो कि जाने के लिए, और आने के लिए आपको यहाँ से नीचे से निकलना होगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिलहाल मैं अभी दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मैं फिलहाल इस वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो कि बहुत से लोगों का कमेंट भी था। और मैं मुंबई का एयरपोर्ट दिखा चुका था, और फिलहाल अभी मैं दिल्ली का एयरपोर्ट दिखाया हूँ जो कि इंटरनेशनल इंदिरा गांधी का है। तो जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया आपको किस तरीके का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।